साथियों नमस्कार। आज का वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर है। अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे सीखना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको नॉलेज मिल पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा एक हमारे स्टूडेंट थे, वो गए जॉब के लिए और जब उनका इंटरव्यू लिया जाने लगा तो उनसे पूछा गया कि हमें ऐसा बना के दिखाओ कि संडे मंडे ट्यूसडे ऑटोमेटिक निकल के आ जाए, ऐसी सीट एक्सेल पे तैयार करो। तो उन्होंने क्या किया और किस तरीके से किया, और साथ साथ उन्होंने संडे के लिए जो संडे और सैटरडे जो जॉब करता है उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है, तो वहां का ये कल्चर था, तो उन्होंने ऐसा तैयार किया कि एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे दिया जाए। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहां पे हम बनाते हैं सैलरी, सैलरी डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स। फिर उसके बाद हमने यहां लिख दिया संडे एंड सैटरडे, संडे एंड सैटरडे, क्योंकि हमारे यहां जो संडे और सैटरडे काम करता है उसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं हमारे पास है। तो संडे और सैटरडे का हमने यहां पे बना लिया, तो संडे एंड सैटरडे एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट कितना, मान लीजिए 500 रुपीज, इक्वल करके 500 कर देते हैं। अब उसके बाद हम यहां पे बनाते हैं सीरियल नंबर, एम्प्लॉई नेम, डेट, यहां पे ऐसा कर सकते हैं वर्किंग डेट, वर्किंग डेट। फिर यहां पे बना लें डे, फिर बना लेते हैं मंथ, फिर बना लेते हैं ईयर, ईयर, और फिर हम बनाते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट। तो अब हम क्या करें यहां पे, अब हमने यहां पे एंट्री करनी चालू की। अब पहले सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे, सेलेक्ट करके यहां से मर्ज सेल करते हैं और फिर उसके बाद दूसरे सेल को भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। अब हम इसकी साइज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगे। एम्प्लॉय नेम थोड़ा बड़ा हो सकता है और वर्किंग डेज, वर्किंग डे, डेट, फिर डेज, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर एम्प्लॉय एक्स्ट्रा पेमेंट, ये बना लिया। अब उसके बाद यहां पर क्या करते हैं, जैसे हमने एंट्री की, चलिए हम यहां पे एंट्री करते हैं। मान लीजिए एंट्री हमने की, सीरियल नंबर हमने डाल दिया 1 2 3 ऐसे, और हमने 1 पे लिख के इसको, अगर आप नहीं जानते ये कैसे होगा तो ऑटोमेटिक नंबर्स हो जाएंगे, इसके लिए आप 1 लिख लें। कॉर्नर में एक बटन मिलेगी, इस बटन पे आप क्लिक करें और ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद आप नीचे यहां पे ऑटो फिल पे सीरीज कर दें, फिल सीरीज, ऑटोमेटिक 1 2 3 हो जाएगा। एम्प्लॉय नेम, तो हम एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं ऐसे ही कोई नाम, तो हमने यहां पे नाम डालना चालू कर दिया। तो अब हमने नाम दिया यहां पे, तो ये पूरा नाम का एंट्री कर दिया। अब उसके बाद यहां पे डेट डालते हैं कि कौन से डे पे काम हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक्स्ट्रा, अब इनके लिए भी हम बना सकते हैं 7 दिन, जैसे एक एक के लिए 7 दिन बना सकते हैं, या आप ऐसे ही यहां पे डेट ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए हम यहां पे डालते हैं डेट। तो अब हमने ये डेट डाल ली। अब ये डेट MMDDYY के फॉर्मेट में है, मंथ डेट ईयर या DDMMYY के फॉर्मेट में है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे चल के ये जो आपका बटन है जहां पे आप नंबर चेंज करते हैं, इस बटन पे आप क्लिक करें। और बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, नीचे इसकी लिस्ट खुल जाएगी। अभी देखते हैं हम यहाँ पे नीचे इसकी जैसे ही लिस्ट खुलती है, उस लिस्ट में हमें क्या करना है, हमें इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि हम कौन से फॉर्मेट में एंट्री करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे हम चले आए मोर कर दिया हमने, और मोर करने के बाद अब हमारे सामने इसका बॉक्स आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डेट मंथ और ईयर है, लेकिन इस समझ में नहीं आ रहा तो आप कस्टम कर लें। तो देखिए DDMMYY का फॉर्मेट है। अगर आप इस फॉर्मेट को MMDDYY करना चाहते हैं तो जहां पे DD है इसको आप MM कर दें, और ये जो MM है इसको आप DD कर दें। तो इसको आप DD कर देंगे तो क्या होगा, ये डेट वाइज दिखाएगा। अब ये DD, तो अब हमने क्या किया, इसका फॉर्मेट पहले मंथ दिखेगा, फिर डेट दिखेगा, फिर ईयर दिखेगा। अगर आप चाहते हैं पहले डेट दिखे तो यहां पे DD, फिर उसके बाद इधर MM और फिर YY करें। अब हम जैसे ही ओके करेंगे तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, इसको ऐसे ड्रैग कर दिया। अब मान लीजिए पता करते हैं कौन सा डे था। अब यहां डे निकालना है तो इक्वल डे के लिए क्या करना होगा, TEXT, ये टेक्स्ट फार्मूला होता है, इस पर दो बार क्लिक करें। अब फिर देखें उसके बाद कहते हैं वैल्यू, वैल्यू आपको कहां से चाहिए, हमको इस डेट से चाहिए, तो ये डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद कहता है कॉमा लगाओ, कॉमा लगा दिया। फिर कहता है फॉर्मेट टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हो उसका फॉर्मेट क्या हो, तब डबल कॉमा में आप जैसे यहां पे डे निकालना चाहते हैं तो चार बार, यहां पे चार बार आपको क्या करना है, जी टाइप करके इंटर करना है। अगर आप दो बार या तीन बार टाइप करके इंटर करेंगे तो वो कम नंबर्स निकालेगा, जैसे संडे का SQN निकाल देगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आप जैसे इंटर करते हैं तो यहां पे ये रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देख लें। अब इसको आप ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो ये देखिए ऑटोमेटिक संडे मंडे ट्यूसडे आ गया। फिर उसके बाद कौन सा मंथ है, तो इक्वल, फिर टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट ओपन, अब वैल्यू आपको लेनी है इस सेल से, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर फॉर्मेट डबल एंड कॉमा में आपको क्या करना है, मंथ निकालना है। तो चार बार आपको MM टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके डबल कॉमा क्लोज करके आपको एंटर करना है। तो कौन सा मंथ है ये भी निकल के आ गया, आप ड्रैग कर लें। फिर उसके बाद ईयर कौन सा है ये निकालना है, तो इक्वल टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पे हमने डेट को सेलेक्ट कर लिया वैल्यू, फिर उसके बाद हमने कॉमा लगाया, फिर डबल कॉमा में हमने कर दिया YYY, चार बार हम Y करते हैं तो हमने चार बार Y टाइप कर लिया। अब हम डबल कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे ईयर निकल के आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस ईयर को यहां पे इनपुट कर देते हैं। फिर एक्स्ट्रा पेमेंट क्या रहा, अब देखिए संडे के दिन एक्स्ट्रा पेमेंट, तो संडे 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 आप देख लें कि जैसे सैटरडे ये संडे है, तो अब हमको यहां पे एक्स्ट्रा पेमेंट फिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहां पे हमने एक्स्ट्रा पेमेंट फिल कर दिया। फिर अब इसके बाद जो संडे है वो आप देख ले यहां पे, जैसे ये है तो यहां पे हमने क्या किया, संडे को सेलेक्ट कर लिया और फिर यहां पे हमने अगेन अमाउंट इंटर कर दिया। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसको तैयार कर लेते हैं। अब हम बात करें इसकी फॉर्मेटिंग की, तो इसमें हम थोड़ा सा इसकी साइज को बड़ा कर दें और इसमें हल्का सा कोई कलर फिल कर दें जिससे ये थोड़ा अलग दिखे। फिर उसके बाद यहाँ संडे और सैटरडे के लिए भी हम थोड़ा सा इसको इसके कलर को फिल कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक देते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो एम्प्लॉइज डिटेल्स हैं इनको भी, इनकी साइज को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इनको बोल्ड कर देते हैं। और बोल्ड करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम ये हमने बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद फिर हमने इनको सेंटर कर लिया। और सेंटर करने के बाद अगला काम में क्या करना है, इस पर भी हमें कोई कलर फिल कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए येलो कलर फिल कर दिया और इधर ऊपर जो है रेड कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा भी लग जाएगा। अब फिर उसके बाद
हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद अगेन हमें क्या करना है, यहां पे इस पे ऑल बॉर्डर कर देना है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। अब इसको सेंटर कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये अब आप देख लें तो आपका पूरा सीट बन के तैयार हो गया है। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप संडे मंडे जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जा रहा है उसका पूरा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।